भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णिया जिला कमेटी जिला सचिव राजीव सिंह के नेतृत्व में शहर के आरंसा चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर 9 अगस्त को कॉरपोरेट भारत छोड़ो क्रांति दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार युवा ने मौके पर शिरकत कर कॉरपोरेट भारत छोड़ो, भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकालो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के गगनचुंबी नारे लगाए। मौके पर माकपा के जिला सचिव सह जिला पार्षद राजीव सिंह ने प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस आयोजन के माध्यम से निम्नलिखित मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के अनुसार सभी फसलों के खरीद के साथ C2+50% की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की जाए, किसानों और खेत मजदूरों को ऋणात्मक से मुक्त किया जाए और किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए व्यापक ऋण माफी लागू की जाए, बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्रीपेड मीटर पर रोक लगाई जाए और कृषि कार्य हेतु 2400 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाए, सभी किसानों और खेत मजदूरों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये की पेंशन योजना लागू की जाए, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को लागू किया जाए, श्रम कानून में बदलाव बंद हो, सभी भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन वास के लिए और 1 एकड़ जमीन खेती के लिए दिया जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील कर्मी के लिए न्यूनतम 26,000 रुपये प्रतिमाह देने की सरकार से मांग की, साथ ही गरीबों व भूमिहीनों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजारना बंद करने की भी मांग की। मांगों को लेकर आज राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत पूरे देश में 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस के रूप में और आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, हम लोग इस अवसर पर पूरे देश में आक्रोश मार्च पूरे जिला मुख्यालय पर निकाल रहे हैं और हमारा मुख्य मांग है आज पूरे देश में आदिवासियों पर, गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। आज जिस दलित आदिवासी गरीब जो जमीन का मालिक था, जो जंगल का मालिक था, उससे जमीन छीना जा रहा है बड़े बड़े कॉरपोरेट और उद्योगपति को देने के नाम पे। आज भूदान की जमीन हो, लाल कार्ड की जमीन हो, या जिस जमीन पे गरीब बरसों से बसे हुए हैं, भूमि माफिया मिलकर प्रशासन से और कोर्ट में गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर गरीबों को, कोर्ट में उतना नियम कानून आता नहीं है, उनके पास कागज है नहीं, हर जगह गरीबों को पूर्णिया में उजारा जा रहा है। हमारी मांग है जो गरीब जहां बसा हुआ है आप उसको वहीं पर अंबेडकर भवन बनाकर या 5 डिसमिल जमीन का कागज देकर इंदिरा आवास के तहत उसका घर बना दीजिए और हर गरीब को 1 एकड़ जमीन खेती के लिए दीजिए और साथ ही साथ बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आज शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पे जो गरीब ठेला खोंचा वाला सड़क किनारे दुकान लगा के अपना रोजी रोटी चलाते थे उसको उजाड़ा गया है, उसके लिए तुरंत व्यवस्था किया जाए, चाहे नगर निगम हो या पूर्णिया का प्रशासन हो। मिड डे मील वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को कम से कम 26,000 रुपया प्रति माह वेतन देना होगा। गरीब किसान मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी है केरल के तर्ज पे 800 रुपया प्रति रोज, वो भी करना होगा, महंगाई समाप्त हो, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में आज हो रहा है हर जिला मुख्यालय पे। क्या परिचय है? राजीव सिंह, CPM जिला सचिव सह जिला पार्षद। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।